मुक्ति पथ। योर सर्च फॉर द फाइनल ट्रुथ एंड्स हियर। प्यारे खोजियों, सत्य की यात्रा में आपका स्वागत है। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। दुख जो है हमारे, इनसे छूटना है तो हमें क्या करना है? पांच तरह के जो दुख है, पांच तरह के ही दुख है इंसान के साथ। तो पहला दुख आता है शरीर का। इंसान को जो दुख है, शरीर के रोग, दर्द, बीमारियां। दूसरा रोग है, दर्द, दुख मन का। मन का दुख क्या है? चिंता। तीसरा जो दर्द है वो है अदर्स। तो अदर्स में सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बच्चे हो, बच्चों से परेशान है पर्सन, या समाज में जो लोग है, बॉस है उससे परेशान है, या कंपनी में काम करता है तो बाजू में बैठने वाला कुलीग है उससे परेशान है। अदर्स में सब तरह के लोग आ गए। शरीर का पहला, दूसरा मन का, तीसरा अदर्स का, चौथा कुदरत का। कुदरत का दुख क्या है? बहुत बारिश हो गई, घर गिर गए, कुदरत की तरफ से आया हुआ भूकंप, जमीन हिल गई, इतने सारे घर टूट गए। तो बारिश हो, भूकंप हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ये कुदरत के द्वारा दिए गए दुख है। ये चौथा दुख। और पांचवा जो दुख है वो है मनी। अच्छा, ये दुख सब रहते भी, मगर पैसा रहता तो निपट लेते, लिव लाइफ फर्स्ट क्लास जब हम कहते हैं तो, अरे मनी नहीं है इसलिए तो हम फर्स्ट क्लास में नहीं जा पाते, पैसा होता तो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते। तो पांच तरह के दुख बताए, इनमें से कौन सा एक ले जिससे बाकी सब कंट्रोल में आ जाए। मन जड़ है, ये अगर ठीक हो जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। ये मन क्या कर रहा है? कंटिन्यूस, लगातार लगातार तुलना कर रहा है, तोड़ रहा है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, अभी खुश हो रहा, अभी दुखी हो रहा, अभी एक बात सुनी बड़ी खुशी हो रही, अभी दूसरी बात सुनी दुख हो। सुबह से लेकर रात तक देखोगे कितनी बार खुश हुए और कितनी बार दुखी हुए। बाहर खुशी नहीं है, ना ही दुख बाहर है। दुख का कारण भी अंदर है और निवारण भी अंदर है और असली आनंद भी अंदर है, इसी मन के पीछे। क्यों ये मन हटे और सत्य प्रकट हो? सत्य ही ईश्वर है कहा गया है, ईश्वर हमारे अंदर है ऐसा कहा गया है, उसकी प्राप्ति ही सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है, ये भी हम सुन चुके। मगर ईश्वरों की कल्पनाएं हम अलग अलग करके बैठे हैं, इसलिए सत्य आसान होते हुए भी इतना कठिन है। तो यहां हमने समझा कि दुख का कारण अंदर बाहर नहीं, ये समझने के बाद अब समझे कि फिर ये मन कैसे हटे। तो मन भरा हुआ है इच्छाओं से, मान्यताओं से, मान्यताओं से भरा हुआ, इच्छाओं से। मान्यता माने क्या? कोई चीज हम मानकर बैठे हैं कि ये सत्य है। कोई पर्सन मानकर बैठा है कि किसी शुभ कार्य के लिए तीन लोग जाएंगे तो काम नहीं होता, ये क्या है? मान्यता। अब सचमुच ऐसा होता है या ये सिर्फ मान्यता है, इसको समझना है। कि मन भरा हुआ है मान्यताओं से, सुख की भी मान्यता है, दुख की भी मान्यता है, इन दोनों से बाहर आना है। तो मान्यता शब्द को समझें, जैसे कोई शराबी बगीचे के बाहर खड़ा है बगीचे के तारों को पकड़े हुए, बगीचे की तारें जो है उसको पकड़ के रखा है और चिल्ला रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और आप वहां से जा रहे हो तो आप क्या कहोगे? अरे बाहर ही हो, मैं उछड़ जाए, क्या मजाक कर रहा है मेरा, मैं बाहर जाना चाहता हूं, तुम कहते हो बाहर ही हो। तो आप उसको ऐसे ही नहीं बताओगे, आप क्या कहोगे? अच्छा चलो तुमको बाहर निकालता हूं, पूरे बगीचे का चक्कर घुमाओ और चक्कर खिलाते खिलाते उसका मुंह दूसरी तरफ कर दो और कहो बाहर आ गए, वो बड़ा खुश हो जाएगा। आपने किया क्या? क्या मतलब, क्या आपने बगीचे से बाहर निकाला? बगीचे से बाहर नहीं निकाला। फिर आपने क्या किया?
आपने सिर्फ उस मान्यता को तोड़ा कि तुम बगीचे के बाहर पहले से ही हो, यही मदद की। और वही मदद हम आपको करना चाहते हैं कि क्या मान्यता हमारे अंदर है और उन मान्यताओं से क्या हुआ है हमारी जिंदगी में। तो पांच तरह की मान्यताएं हैं, पांच मान्यता टूट जाए हम दुख से मुक्त हो जाएं। पांच दुख, पांच मान्यताएं। पांच मान्यता क्या क्या है, एक पेड़ के उदाहरण से समझें। पेड़ में होता है रूट यानी जड़, पेड़ में होता है फ्रूट यानी फल। पांच मान्यता में पहली मान्यता है रूट मान्यता, रूट, और आखिरी मान्यता है फ्रूट मान्यता, फ्रूट, रूट और फ्रूट। और उसके बीच में तीन मान्यताएं और है। रूट मान्यता को यानी जड़ वाली, पेड़ की जड़ है जमीन के अंदर, तो रूट मान्यता को बाद में लेंगे, पहले हम बीच की तीन मान्यता लें। बीच में आती है ट्रंक, ब्रांच और लीव्स, यानी पेड़ का तन्ना, ब्रांचेस यानी टहनी और पत्ते। जो तन्ना है यानी कि ट्रंक है पेड़ की, वो कौन सी मान्यताएं हैं, इनको कहा गया है अदृश्य मान्यताएं। अदृश्य जो हमारे सामने नहीं है मगर ये हमारे अंदर है, हमें भी पता नहीं है, क्योंकि ये आई बचपन में जब आप छोटे थे। तो क्या हुआ जब आप छोटे थे, आप बच्चों के साथ खेलते थे, सहेलियों के साथ खेलते थे, फिर कुछ लोगों को खेल में पीछे रखा गया, खेल में पीछे रखा गया। तब से क्या मान्यता बैठ गई दिमाग में कि मैं लोगों से कम हूं, इन्फीरियर, ये मान्यता बैठ गई, आई एम इन्फीरियर। अब भाई ये मान्यता आज भी काम कर रही, आपको खुद भी पता नहीं होगा कि वो जो पुरानी मान्यता है वो आज भी अंदर काम कर रही है, इस वजह से आप लोगों के सामने में जाने में हिचकिचाते हो, या हर जगह आप अपने आप को पीछे पाते हो। जहां आपको प्रमोशन मिलना चाहिए आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि पुरानी मान्यता काम कर रही है, अदृश्य मान्यता जो हमें पता भी नहीं। पर आज के बाद जो मंत्र मिलेगा उससे ये मान्यता टूटना शुरू हो जाएगी और इमीडिएट आप उसका असर अपने जिंदगी में देखने वाले हो। तो अदृश्य मान्यता यानी जो बचपन में बैठ गई अपने बारे में, दुनिया के बारे में। आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, वर्ल्ड क्या है, कैसी है दुनिया? जैसे जैसे हमने लोगों को कहते हुए सुना, पड़ोसी से, पिताजी से, टीचर से, दिमाग में बैठ गया दुनिया ऐसी है। जब टीचर ने सवाल पूछा बच्चों को पढ़ाते वक्त और उनको बताया दुनिया कैसी, दुनिया गोल होती है, तो लड़के ने झट से कहा मगर मेरे पिताजी तो कहते हैं कि 420 होती है। अब उसने पिताजी से सुना, अब उसके दिमाग में बैठ गया दुनिया बुरी है। आप जानते नहीं ये मान्यता है, ये लड़का बड़ा हो जाएगा उसके पास कैसे लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं उसको खुद भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरह की मान्यताएं आप ट्रांसमिट कर रहे हो वैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपकी मान्यता है कि लोग अच्छे नहीं है, अगर आपकी मान्यता है लोग बुरे हैं, स्वार्थी हैं, कई लोग बोलते हैं लोग अच्छे हैं मगर थोड़े बुरे हैं, तो जैसी मान्यता है वैसे आपके साथ हो रहा है। अगर बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे लोग आपके पास आते हैं, थोड़े बुरे लोग आते हैं। मगर अगर सभी ब्यूटीफुल हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, एवरीवन इज गुड, तो आप देखोगे वही मान्यता आपके जीवन में काम करती है। तो बचपन में कुछ अदृश्य मान्यताएं अपने बारे में, मैं इन्फीरियर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ये मान्यता है, क्योंकि जैसा बताया गया हम मानकर बैठे। अब कोई हिंदू को गाली दे, मुसलमान को गाली दे, तो जो गुस्सा आता है क्या सचमुच का गुस्सा है या वो मान्यता काम कर रही है,
मान्यताएं काम कर रही है, क्योंकि ये हमें दी गई है और हमें पता भी नहीं है कि ये मान्यताएं है, क्योंकि ये है अदृश्य मान्यताएं, इससे बाहर आना है। ये है पेड़ का तन्ना, उसके बाद आती है ब्रांच, यानी थोड़ा बड़ा हो गया और फिर एक और मान्यता बैठ गई। क्या मान्यता बैठ गई? कि मनी इज लेस, पैसा कम है, लैक ऑफ मनी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना कठिन है, हाथ ऊपर करें? हाँ ठीक है, ईमानदारी से हमको लगता है, ठीक है। जैसी आपकी मान्यता वैसा आपके साथ होने ही वाला है, ये मजेदार बात है। कितने लोगों को लगता है कि लाइफ इज हार्ड, वे हाथ ऊपर करें, लाइफ इज हार्ड। हाँ, कुछ लोग डर डर के हाथ ऊपर करते, बिकॉज दिस इज हार्ड, हाथ नीचे करते, सबके सामने हाथ ऊपर करना, लोग मेरी तरफ देखेंगे, ये पर्सन लाइफ को हार्ड समझता है, तो डर लगता है लोगों के सामने हाथ ऊपर करना। कितने लोगों की ये मान्यता है कि टाइम इज लेस, हाथ ऊपर करें, टाइम कम है, यस थैंक यू, हाथ नीचे करते। कितने लोगों को लगता है कि लाइफ इज इजी, हाथ ऊपर करें, यस। और मजेदार बात, जैसी आपकी मान्यता है वैसे प्रूफ, वैसे सबूत आपको मिलेंगे, ये मजेदार बात है। जैसी आपकी मान्यता वैसा सबूत आपको मिलेगा, और फिर सबूत मिलने के बाद क्या होता, मान्यता और पक्की हो जाती। एक पर्सन की मान्यता है देयर इज लेस, पैसा कमाना कठिन है, पैसा कम है, हर 30 तारीख जब आती है, मंथ एंड आती है, पैसा नहीं होता है। अब उसके अंदर मान्यता क्या है, पैसा कम है। अब इस मान्यता के साथ क्या होता है, उसको प्रूफ मिलता है, यानी घटना, घटना हम देखते हैं और हमें प्रूफ मिलता है, प्रूफ मिलने के बाद मान्यता और पक्की हो गई, वाकई पैसा, मैं तो कहता हूं ना पैसा कम है, देखो ऐसे ही है कि नहीं मेरे साथ। तो हर इंसान को लगता है कि मैं जो मानता हूं वो सही है, क्योंकि उसके सबूत मुझे मिलते हैं। मेरी मान्यता है अगर मेरे पास टाइम कम है तो उसके सबूत मिलते हैं, कहीं टाइम पर पहुंचता नहीं है, हर जगह लेट ही लेट, देखो टाइम कम है, हम हर जगह लेट ही पहुंचते हैं, तो ये सबूत है, हर जगह लेट पहुंचना क्या है, सबूत। और सबूत मिलने के बाद पुरानी मान्यता और गहरी, और गहरी हो गई तो और लेट पहुंचेगा, ये साइकिल तैयार हो गई, ये दुख की साइकिल है, इससे बाहर आना ही मोक्ष है, दुख की साइकिल, इसके अंदर ही घूमते रहेंगे, मान्यता सबूत, फिर जो सबूत मिला वो मान्यता पक्की। लोग बुरे हैं, सबूत मिलता है, कोई आपको रास्ते में पानी गिरा के गया आपके कपड़ों के ऊपर, देखो लोग ऐसे ही है, सबूत मिला कि मान्यता और गहरी। ये दिन रात चल रहा है, मान्यताएं पक्की होते जा रही है। बिल्ली रास्ता काट के गई और पर्सन के साथ बुरा हुआ, मान्यता स्ट्रांग हो गई। बिल्ली रास्ता काट के गई माने बुरा होता है, और फिर बिल्ली रास्ता काटती है और बुरा होता है, स्ट्रांग सबूत मिलने के साथ मान्यता पक्की। आप उसको कहोगे ये मान्यता है, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, वो कहेगा तुम पागल हो, वो नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रांग बैठ गया है, वो कहेगा ऐसा ही होता है। आप सबूत और मान्यता इन दोनों के चक्कर से बाहर आना है तो समझना है कि पहले क्या, पहले मान्यता आती है कि पहले एक्सपीरियंस आता है उस मान्यता का, यानी पैसा कम है यह हमने कम देखा लाइफ में इसलिए मान्यता बन गई कि पैसा कम है, या पहले मान्यता तैयार हो गई इस वजह से पैसा कम आता है मेरी जिंदगी में, पहले एक्सपीरियंस कि पहले मान्यता। आज तक लोग यही सोचते आए हैं कि पहले हम एक्सपीरियंस लेते हैं फिर वो हमारी मान्यता बनती है, पहले बिल्ली रास्ता काट के गई फिर भी मैं गया वहां से और फिर मेरे साथ बुरा हुआ, यानी पहले एक्सपीरियंस और फिर बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा होता है, ये मान्यता बनी, मगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, मान्यता पहले बनती है
एक्सपीरियंस बाद में आता है। अगर आज के इस प्रवचन से ये बात आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। पहले बनती है मान्यता और फिर उसके आते हैं अनुभव। जैसी भी मान्यता, अच्छी मान्यता या बुरी मान्यता, आप में से कितने लोगों की यह मान्यता है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वे हाथ ऊपर करें। देखो इतने सारे लोग, और आपको सबूत मिलेंगे, आपको सबूत मिलने वाले हैं। कितने लोगों को लगता है कि आज का प्रवचन सुन के हमको बहुत फायदे हो गए, वे हाथ ऊपर करें, आपको सबूत मिलने वाला है, आपको सबूत मिलने वाला है। जो चीज आप स्वीकार करते हो, मानते हो, उसके अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये सीक्रेट समझो। अगर ये सीक्रेट समझ गए तो आप क्या करोगे, पुरानी मान्यताओं को तोड़ोगे, गलत मान्यताओं को तोड़ोगे, अच्छी मान्यताओं को रहने दोगे। अगर ऐसी मान्यता है कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अगर ये मान्यता है तो अच्छी मान्यता है, इसको रहने दो, आज इसको मत तोड़ो, इसको अभी नहीं तोड़ना, अभी वो समय नहीं आया है, इस मान्यता को रहने दो। और जो गलत मान्यताएं बैठ गई है, अगर ये मान्यता बैठ गई है कि ज्यादा हंसे तो रोना पड़ता है, फिर लोगों के दिमाग में ये रहता है, बच्चा ज्यादा हंस रहा हो अरे ज्यादा मत हंस, बाद में रोना पड़ता है। कितने लोगों में ये मान्यता है, हाथ ऊपर करें। हाँ है, यस, थैंक यू। क्योंकि आपका हाथ ऊपर करना सभी लोगों को टॉपिक को समझने में हेल्प कर रहा है। जिसको वो मान्यता नहीं, वो सोचेगा अरे ऐसी मान्यता होती है क्या, मैं जब आजू बाजू में देखता अरे हाँ लोग हाथ ऊपर कर रहे, यानी लोग ऐसी मान्यताएं रख रहे, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए जो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं एक हेल्प कर रहा है, एक कोऑपरेशन है, ताकि हम इस विषय के गहराई में जाकर इससे बाहर कैसे आए ये सीखे। तो मनी की मान्यता, लेस देयर इज लेस देयर इज लेस, तो लेस का सबूत आपको मिलने वाला है। अगर मान्यता चेंज हो गई, देयर इज एनफ, इसका भी सबूत मिलेगा, इसका सबूत आपको मिलने वाला है कि यह है ब्रांच मान्यता। ब्रांच मान्यता कौन सी मान्यता, मनी की, टाइम की, पीपल यानी दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है, स्वार्थी लोग है प्यारे लोग है, ये मान्यता, या हैप्पीनेस की, ज्यादा हंसे तो रोना पड़ता है, ये है ब्रांच मान्यताएं। फिर आता है पत्ते, पत्ते यानी छोटी छोटी मान्यताएं, बहुत छोटी छोटी, कि हाथ में खुजली आई तो पैसा मिलता है, ये आंख फड़की तो ये होगा, वो आंख फड़की तो वो होगा, छींक आ गई तो बुरा होता है, कोई बाहर जा रहा हो और छींक आ जाए, ये छोटी छोटी मान्यता है, बहुत फैली हुई है। लोगों से जाके पूछ कर देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि लोग क्या क्या मानकर बैठे हैं। शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए बत्ती जलने के बाद, या झाड़ू को ऐसा नहीं रखना चाहिए, इस तरह रखना चाहिए, ऐसा रखा तो पैसा चला जाएगा, ऐसी मान्यता। खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, ऐसी मान्यता बैठ गई है। 13 नंबर बुरा होता है, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फला दिन को बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं करनी, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, इनको कहेंगे पत्तों वाली मान्यता। क्यों बहुत है ना, पत्ते बहुत है पेड़ में, ऐसी छोटी छोटी मान्यताएं बहुत है। मंगली लड़का है तो किस तरह होनी चाहिए उसकी शादी, काला टीका कब लगाना चाहिए, काला धागा कब बांधना चाहिए, ऐसी बहुत तरह की मान्यताएं। इन मान्यताओं से भी बाहर आना है। फिर आता है फ्रूट मान्यता। फ्रूट मान्यता यानी इन सब मान्यताओं की वजह से फ्रूट्स क्या आए हैं, कि इंसान कर्म और भाग्य में उलझ गया, यह है फ्रूट मान्यता। कर्म और भाग्य, कर्म का कर्ता बन के अहंकार में जीता है और भाग्य में नहीं है, उसका रोना लेकर जिंदगी भर दुखी रहता है, कर्म और भाग्य में उलझा हुआ। जब कर्म और भाग्य से जो मुक्त हो जाए वही भाग्यशाली। तो कर्म भाग्य, स्वर्ग नरक, कहीं दूर कहीं स्वर्ग है, कहीं दूर कहीं नरक है, मरने के बाद ऐसा होने वाला है, बहुत तरह के लोक है, ऐसी मान्यताएं लेकर लोग जी रहे हैं और डर के जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा किया तो ये ईश्वर नाराज हो जाएगा,
वैसा किया तो ये ईश्वर नाराज हो जाएगा, खट्टा इसको पसंद नहीं है और ये दिन भी बाल कटवाना इसको पसंद नहीं है। हर ईश्वर की कोई ना कोई खासियत है नाराज होने की, ये इस बात पे नाराज होगा, वो उस बात पे नाराज होगा। तो लोग डर कर जी रहे हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आपको किसने कहा ईश्वर नाराज होता है, तो आप क्या कहोगे? किसने कहा? बस हम सुनते आए और मानते हैं। अरे ईश्वर इस बात पे जरूर नाराज होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं नाराज होता हूं, इस बात पे नाराज होता होगा। तो लोगों ने कैसे ईश्वर की कल्पनाएं मान्यताएं बनाकर रखी और वैसे रूप को पकड़कर झगड़े कर रहे आपस में, मंदिर के हो मस्जिद के हो। ये मान्यता है, गहरी मान्यता है, ये फ्रूट्स है। इस फ्रूट्स की वजह से लोग आज डरे डरे जी रहे, इन मान्यताओं की वजह से। इन मान्यताओं की वजह से आज लोग चिंता और भय में है। वो जानते नहीं है सत्य मौत का, वो जानते नहीं सत्य भविष्य का, वो जानते नहीं सत्य कर्म का, कैसे काम होता है, कैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है। अगर ये सत्य समझ में आ जाए तो सारे बोझ सर से निकल जाए। फिर ये सब मान्यताएं हमने सुन ली। रूप मान्यता पर आगे बात करेंगे। हमने अदृश्य मान्यताओं पर बात की है, ब्रांच मान्यता पर बात की है, लीफ पर बात की है, फ्रूट पर बात की है। ये पेड़ हुआ ही। अब हमें समझना है कि क्या करना पड़ेगा। यहां ये बात तो पक्की हो गई, मान्यता पहले प्रूफ बाद में, एक्सपीरियंस बाद में। तो हम आज से क्या करेंगे, अच्छी मान्यताओं को रहने देंगे, जो गलत मान्यताएं हैं उनको तोड़ेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट तो करके देखने पड़ेंगे ना। जैसे एक पर्सन सुबह घर से निकलता है, ड्रेस पहनता है ना, तो ड्रेस पहनते वक्त क्या सोचता है, आज का दिन तो कोई खास नहीं है, तो जो खास ड्रेस नहीं है वो पहनता हूं। अब क्या होता है उस पर्सन के साथ, किसी दिन प्रयोग करके देखे, आज का दिन खास न लगे तो भी क्या करना, आज का दिन खास है और वो एक खास ड्रेस पहनकर निकलना, और रात तक आपको बहुत प्रूफ मिल गए कि आज का दिन खास था। आज का दिन आपके लिए खास है कि नहीं? आज का दिन तो प्रूफ मिलेंगे आपको, प्रूफ मिलेंगे, अरे आज कुछ मिरेकल हो गया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइफ से? लाइफ फन, जॉय, हैप्पीनेस या हार्ड, हार्डशिप्स, तकलीफें, दुख? वैसे सबूत मिलते हैं। ये सीक्रेट हम समझे, हम प्रूफ, जो गलत प्रूफ आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना कम किया, और पॉजिटिव मंत्र दोहराना है। पॉजिटिव मंत्र दोहराना यानी कि जब भी लगे देर इज लेस, मंत्र दोहराओ देर इज इनफ, देर इज इनफ। इनफ क्या? इनफ मनी, इनफ टाइम, इनफ लव, इनफ लाइफ, इनफ हैप्पीनेस। तो मंत्र छोटा सा है, देर इज इनफ, और उसके साथ पांच चीजें जोड़ी है। देर इज इनफ के साथ देर इज इनफ मनी, बहुत है। देर इज इनफ टाइम, टाइम बहुत है। जब ये पक्का हो जाएगा तो आप किसी को देने में हिचकिचाओगे नहीं, वरना आज हिचकिचाते ना, और मैं कैसे दूं, मैं दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा। हर इंसान यही सोच के बैठा है, इसलिए लिमिटेशन है। इसलिए हर इंसान फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग में लिमिटेशन है। अरे सभी फर्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास की बोगी एक ही है ट्रेन में, सभी फर्स्ट क्लास में कैसे? ये लिमिटेशन टूटे कि पूरी गाड़ी फर्स्ट क्लास की बन सकती है, पूरी ट्रेन। गांव में जो लोग होते हैं ना, उनके खेत में जाओ आप, आम के हो, आम खाने जाओ, तो आपको आम खाने देते हैं, आप आम खाओ, आपको क्या कहेंगे वो, जितना खाना है खाओ, लेके मत जाओ। अगर तुम लेके नहीं जाते हो तो हर एक को मिलता है। लोग जमा करते जा रहे हैं इस डर से, देयर इज लेस, देयर इज लेस। ईश्वर ने दुनिया बनाई तो जो भी चीज बनाई है, इनफ, इनफ फॉर एवरीवन। इंसान के दिमाग में आ गई लिमिटेशन। लिमिटेशन आने की वजह से क्या हो गया, वो दबाने में लग गया, छुपाने में लग गया, इसलिए फिर ऐसा लगता है कि देयर इज लेस, देयर इज लेस। ईश्वर देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। जब इंसान को कहा तो वो कहेगा हाँ
ऐसा तो है, मगर सारा पैसा रिपेयरिंग में चला जाता है, छप्पर को बनाने में चला जाता है, क्योंकि उसकी मान्यता गहरी है। वो कहता है सीरियसलेस, पैसा आता भी है तो चला जाता, टिकता ही नहीं। पैसा आता है तो टिकता ही नहीं। अब ऐसी मान्यता आपकी है कि टिकता ही नहीं, तो आपके साथ वही होने वाला है, पक्का मानकर चलो, ऐसा ही प्रूफ आपको मिलेगा। पर आज से कहना शुरू करेंगे कि देयर इज इनफ, इट फ्लोज, जैसे ब्लड कैसे फ्लो होता है, ब्लड फ्लो हो रहा है तो स्वस्थ है, तो मनी भी आपके लाइफ में फ्लो होगी, लव फ्लो होगा, टाइम, हैप्पीनेस, लाइफ। तो पांच चीजें देयर इज इनफ के साथ जोड़नी है, पहला मनी, दूसरा टाइम, तीसरा लव, लव यानी पीपल, पीपल आर गुड, पीपल आर ब्यूटिफुल, हर पर्सन जो मुझे मिलता है अच्छा है, ऐसी मान्यता अगर आपकी बनेगी तो आपको सबूत मिलने वाले हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक प्रवचन मैंने सुना, मंत्र दोहराया और ये रिजल्ट है। क्या वाकई हमारी मान्यता चेंज हुई तो ऐसा होता है कि जो लोग मानकर चल रहे हैं कि मैं हर जगह लेट पहुंचता हूं, तो उनके साथ वही होता है, वो पैटर्न काम करता है। क्या पैटर्न है? हर जगह लेट, राइट प्लेस पर रॉन्ग टाइम पर पहुंचता हूं, या फिर राइट टाइम पर रॉन्ग प्लेस पर पहुंचता हूं, राइट टाइम पर पहुंचता हूं मगर रॉन्ग प्लेस पर, जाना था किसी और की शादी में, पहुंच गया किसी और हॉल में, अरे मैं राइट टाइम पर भी पहुंचा मगर जिस शादी में जाना था वहां तो पहुंचा ही नहीं। तो ये पैटर्न काम करता है, फिर आपके साथ सेम रिपीट होता है, आप हमेशा यही कहते रहते हो अरे मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों? वो मान्यता बैठ गई है, इस मान्यता से बाहर आना है। तो मंत्र क्या कहता है? देयर इज इनफ। जब ये मंत्र काम करेगा तो आप देने में हिचकिचाओगे नहीं, किसी के लिए समय, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए हैप्पीनेस शेयर करोगे, और शेयर करोगे तो बढ़ेगा, जितना दोगे देखोगे मल्टीप्लाई होकर आपके पास आने वाला है। अरे फिर कहोगे अरे ये मंत्र तो बहुत बढ़िया है, पहले कितना सुख चाहता था मैं, कैसे दूं कैसे दूं, डर डर के, अब देख रहे दे भी रहे आ भी रहा, क्योंकि पुरानी मान्यता टूट रही है। मान्यताओं से मुक्ति दुख से मुक्ति है, इसको हम समझें। ये बात समझ में आ गई, फिर और एक टेक्निक इस्तेमाल करनी है। टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है? कि घटना होते ही आप जो कहने जा रहे हो, रुको, अपने आप को कहो घटना न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी ना अच्छी है ना बुरी है, कॉन्ट्रास्ट माइंड आएगा लेबल लगाने के लिए, उसको अच्छा बोलूं कि बुरा बोलूं, उसको काली पूछ लगाऊं कि सफेद पूछ लगाऊं, तो आप उसको कहना रुको अभी हम इस घटना को देखते हैं एज इट इज, जैसी है, तो ना काली पूछ लगी ना सफेद पूछ लगी। तो यानी आप जो सेल्फ टॉक करते हो, हर घटना के साथ आपके अंदर एक टॉक चलता है, हर इंसान कर रहा है, अभी भी आप बैठे हो ना तो आपके अंदर एक टॉक चल रहा है। ये टॉक क्या कहता है? ये वार्तालाप क्या कहता है? वही घटना को दुखद बनाता है या सुखद बनाता है। घटना हुई और आपने कहा बुरा हुआ, वार्तालाप क्या हुआ? बुरा हुआ। घटना बुरी लगने लगेगी, और घटना होने के बाद आपने कहा अच्छा तो अच्छी लगने लगेगी, यानी मन जो कहेगा उस आधार पर घटना अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में समाचार आया एक एक्सीडेंट हो गया, चार लोग मर गए, आपका सेल्फ टॉक क्या होता है? होते रहता है। सेल्फ टॉक क्या है? होते रहता है। क्या नहीं बात है? दुख हुआ? कोई दुख नहीं हुआ, क्यों? सेल्फ टॉक क्या था? होते रहता है, ये तो नॉर्मल बात है। फिर फोन आया आधे घंटे के बाद, उस मारुति वैन में आपका कोई रिलेटिव था। अब सेल्फ टॉक देखो क्या आ रहा, वो पर्सन हमारे लिए ये चीजें लाता था, हम आपस में खेलते थे, वो ऐसा करता था, एक दिन ना हम ऐसे गए थे। सेल्फ टॉक जितना बढ़ते जा रहा, रोना उतना बढ़ते जा रहा, दुख उतना बढ़ते जा रहा। सेल्फ टॉक बदला कि सुख दुख में कन्वर्ट होता है, दुख सुख में कन्वर्ट होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सेल्फ टॉक विथ अंडरस्टैंडिंग, आपको आश्चर्य होगा कि दुख जो लगता था वो अब दुख नहीं लगता। घटना होने के साथ सेल्फ टॉक क्या होने जा रहा है? एक पर्सन से जब पूछा गया आज का मौसम कैसा होगा,
तो उस लड़के ने कहा जैसा मुझे पसंद है वैसा होगा। अरे आश्चर्य की बात है, मौसम अभी शुरू हुआ नहीं है और ये लड़का कहता है जैसा मुझे पसंद है वैसा होगा। कैसे कह सकते हो कि जो तुम्हें पसंद है वैसा ही होगा? बोला नहीं, मैं जब से जान गया हूं कॉन्ट्रास्ट माइंड को, तोलू मन को, जब से जान गया हूं सेल्फ टॉक को, तब से मैं ये सीक्रेट जान गया कि जैसा मौसम होता है उस पर जो सेल्फ टॉक होता है। सुबह आपने बादल देखे आसमान में, क्या सेल्फ टॉक होता है? आज का दिन डल है, आज का दिन बोर है, और आपके साथ वैसे ही होता है। अभी क्या होगा, आज के बाद जो बादल देखोगे तो याद आएगा सेल्फ टॉक क्या हो रहा है। हाँ, आज का दिन कुछ अलग है, आज निराला है, तो देखते आज क्या अलग बातें होती है। सेल्फ टॉक वैसे हुआ तो आपको दुख नहीं हो रहा है, बोर नहीं हो रहा है। तो हम अपने सेल्फ टॉक को बदलें। जब सेल्फ टॉक होता है कि दुख का विचार आया, मैं दुखी, तो हम बड़े दुखी महसूस करते हैं। मगर अगर सेल्फ टॉक ये हो कि दुख के विचार चल रहे हैं, आज दुख के विचार चल रहे हैं, तो ये सेल्फ टॉक से क्या होगा? दुख के विचार से आप अलग हो गए, आप अलग से देख रहे हो उन विचारों को। ये कला हमें सीखनी है। ये कला सीख जाएंगे तो फर्स्ट क्लास में सफर करना बड़ा आसान है। फर्स्ट क्लास में सफर करना है तो पहली बात जान लो, फर्स्ट क्लास की बोगी कहां पर आती है। तो ये नॉलेज जो आज आपको मिल रहा है वो आपको बता रहा है कैसे फर्स्ट क्लास जिए, कैसे फर्स्ट क्लास बोगी में सफर करें। दूसरी बात आपको जाननी है कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है, परफेक्ट, क्योंकि राइट टाइम पर राइट चीज होनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं अध्यात्म के बारे में, 50 साल के बाद सत्य सुनना चाहिए, 50 साल के बाद, ऐसी मान्यता है लोगों की। अभी कैसे सुने सत्य, अभी तो असत्य में जिए चलेगा, 50 साल के बाद सत्य सुनना चाहिए। कितनी गलत मान्यता बैठ गई है, राइट टाइम पर काम हो, ये अंडरस्टैंडिंग मान्यता की। जितना जल्दी एक लड़का स्कूल में कॉलेज में समझ जाए उतना जल्दी उसके लाइफ में सब चीजें फ्लो हो और उसकी वजह से औरों का मंगल हो। 50 साल के बाद की बात नहीं है, जितना जल्दी सत्य हमें पता चले, हम बैसाखियां छोड़ दें, उससे मुक्त हो जाए। तो यहां हमने ये बात समझ ली कि अगर हमें मुक्त होना है, सही टाइम का इस्तेमाल करना है। एक वकील ने जब चोर को चोरी के इल्जाम से अदालत से छुड़वाया तो वो चोर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा वकील को, आपको हम मान गए, किसी दिन आपके घर आएंगे। तो वकील ने कहा जरूर आना, मगर दिन में आना, जरूर आना मगर दिन में आना। ये टाइम जानता है किस पर्सन को किस टाइम पर बुलाना चाहिए। तो ये सत्य हमारे जीवन में किस टाइम पर आए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्द। और फिर फर्स्ट क्लास में सफर करना है तो हमें यह जानना है कि जो अनाउंसमेंट हो रही है प्लेटफॉर्म पर, यानी जो सेल्फ टॉक हो रहा है, वो किस तरह का है। और फिर ट्रेन में जाएंगे तो टीसी को जगाएं, अपने अंदर जो टीसी है उसको जगाएं, यानी जो बिना टिकट मान्यताएं घुस रही है, विदाउट टिकट मान्यता क्या है, विदाउट टिकट अदृश्य, बिना टिकट जो घुसकर आ गई मान्यता है, उनको रोके, उनको ट्रेन से बाहर करें, तो आपका सफर बहुत बढ़िया होने वाला है। विदाउट टिकट मान्यताओं को बाहर निकाल दें और आपकी लाइफ फर्स्ट क्लास हो गई। फिर अंत में ये समझें कि दुख जिसको है, दुखी, ये दुखी कौन है? क्या मैं दुखी हूं या ये मन दुखी है या ये शरीर दुखी है? अगर आपसे कोई पूछे कि कौन दुखी, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपसे पूछे कि आप कौन, तो आप क्या जवाब दोगे? जब आप कहोगे मेरा शरीर मैं हूं, तो ये जवाब गलत हो गया। जब आप मेरा शब्द इस्तेमाल करते हो तो आप उस चीज से अलग हो। मेरा घर, मेरा शब्द इस्तेमाल किया ना, तो फिर घर आपसे अलग हो गया। घर तो अलग ही हो गया ना, क्योंकि मेरा घर है मुझसे अलग है, मेरा धन मुझसे अलग है, मेरा शरीर मुझसे अलग है। तो मेरा शरीर मुझसे अलग है तो दुखी कौन है? मैं हूं, यही शरीर है।
तो फिर धीरे धीरे हम अपने आप को जानेंगे, मैं कौन, मैं आप किसको समझ रहे हो, जो नाम आपको दिया गया उसको मैं समझ रहे हो तो गलती पर हो, क्योंकि जो नाम आपका है वो कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर के लोग आपको बुलाते मंगेश करके, राजेश करके, तो वो नाम आपने दूसरों के लिए रखा है। आप अपने आप को कौन से नाम से बुलाते हो, मैं है मेरा नाम, हम सबका नाम मैं है, हम सबका नाम एक ही है, कितनी मजे वाली बात है, हम सबका नाम मैं है, जो रखा गया नाम वो तो दूसरों के लिए है तो दूसरे इस्तेमाल करते हैं, मैं मेरा नाम है, मेरा सरनेम है, मेरा जो है वो सरनेम है, जो सरनेम हम बोलते हैं वो तो दूसरों के लिए है, मैं वो नहीं हूं जो मानकर बैठा हूं, ये है रूट मान्यता, पेड़ की रूट मान्यता। दुखी कौन है, हमें दुख से मुक्त होना है या दुखी से मुक्त होना है, दुख से या दुखी से, जब दुखी से ही मुक्त हो गए तो आप परमानेंट दुख से हट गए, अपने आप को जानने के बाद, क्या मैं शरीर हूं या फिर मैं कौन हूं, शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं तो कौन हूं, ये सत्य जानना है। आज जो हमने सीखा, पांच मान्यताएं बताई गई, रूट मान्यता यानी मैं ये शरीर हूं ये मानकर जीना, ये है रूट। फिर है ट्रंक यानी कि मैं इंफीरियर हूं, मैं लोगों से कम हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, या दुनिया बुरी है, 420 है, अच्छी है, जो भी मान्यता बैठ गई बचपन से। फिर आती ब्रांच, ब्रांच में आ गया मनी, टाइम, पीपल, हैप्पीनेस, लव, तो फिर इनसे ऊपर उठे तो पत्तों वाली मान्यताएं, छोटी छोटी जो मान्यताएं हमने सुन के रखी है कि ये पुस्तक घर पे नहीं रखना चाहिए, इस दिन को तेल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी बहुत तरह की मान्यताएं जो आपको बताई गई, झाड़ू के बारे में हो या नक्षत्रों के बारे में हो। फिर आती है फ्रूट मान्यताएं, स्वर्ग नरक की हो मान्यता, कर्म भाग्य की हो या ईश्वरों के डर की मान्यता हो, ये सब मान्यताएं जब टूट गई, फिर आपको मंत्र दिया गया, देयर इज इनफ, और उसके साथ पांच बातें जोड़ दी गई। इनफ में क्या पांच बातें, पहला मनी, दूसरा टाइम, तीसरा पीपल यानी लव आता है, लोगों से सपोर्ट मिलता है ना आपको, तो लव तीसरी पॉइंट आती है, चौथी पॉइंट लाइफ, देयर इज इनफ लाइफ, और पांचवी हैप्पीनेस, ज्यादा खुश हुए तो रोना पड़ेगा ये मान्यता है, हैप्पीनेस इतनी है कि जिंदगी भर आप आनंदित हो सकते हो, अंदर का आनंद जान जाओ तो। ये सारी बातें आज के प्रवचन में आपने सुनी। फिर सुना सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, तो पांच अगर हम मूल बातें सीखी है अगर इलाज, तो पहला ब्रेक ओल्ड, पुरानी तोड़ो, दूसरा क्रिएट न्यू, नई बनाओ, अच्छी, जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है तो क्रिएट न्यू, दूसरा, तीसरा ला सेल्फ टॉक, चौथा मंत्र, पांचवा जो शिविर में मिलने जा रहा है। अगर प्यास है सत्य जानने की, अगर प्यास है दुख से मुक्त होने की, आज से जो मंत्र आप दोहराओगे प्रूफ आपको मिलने वाले है कि देयर इज इनफ मनी फ्लो होगी। तो आज ये सब बातें सुनते हुए आपने सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हैवी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो शाश्वत है और किसी भी इंसान, वस्तु, परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं है? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में उत्साह से भरपूर हो? क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं जिस वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? तो ऐसे जीवन को स्वयं का अनुभव बनाने हेतु रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर स्थान मनन आश्रम पुणे। I'm very thankful to you, Sarshi. Your course is excellent. I'm truly lucky to do the course. Before doing the course, past thoughts would cloud my mind continuously and my efficiency level would drop. After doing the course, I feel that my thought process has become, reduced to being blank.
आई कैन एक्चुअल एक्सपीरियंस प्रेम आनंद मौन. इट इज अ जॉय एंड आई विश टू सजेस्ट इट टू मैनी. आज ये शरीर की मुक्ति हो गई है सर श्री, कोई सवाल नहीं बचे. एकदम क्लियर हो गए. कौन हूँ मैं, जो पहली बार जो किया था वो एम आई, तो वही क्वेश्चन था. और जब 10 साल की थी तब से वो क्वेश्चन था. यहाँ महाआसमानी करने के बाद वो आंसर मिल गए. जब यहाँ आया तो फिर सारे प्रश्नों का जवाब मिला. आपके जो थेरीज है वो सब पढ़े तो वो सब क्लियर हुए. लेकिन मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि अभी असली अध्यात्म की शुरुआत हुई है ऐसे. यस भाई, है ना, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इस दिव्य ज्ञान को, इस सरस्वती जी के इस डिस्कवरी को भाई, है ना, अपने घर घर में पहुंचा दो, है ना. ये बहुत जरूरी है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है. इसे पहुंचाओ, किसी भी कीमत पर पहुंचाओ. थैंक यू गुरु जी. हैप्पी थॉट्स. हैप्पी थॉट्स. 10 साल से इस खोज में था कि प्रेममय, आनंदमय और मौनमय कैसे जिया जाए. मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, सो इतना तान तनाव रहता था, रात को भी काम करना, दिन भर भी काम करना. शांति चाहिए थी, तो इस तनाव के कारण मैं 10 साल से खोज में था. और मैं 5 दिन का शिविर किया. वो शिविर से अभी एहसास हो रहा है, पास के जो दुख थे, जो तान तनाव था, वो सब कुछ दूर हो गया. महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है 23 से 27 अगस्त 2023. रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं. हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं. धन्यवाद.